खरगोन जिले में गोगावा तहसील के ग्राम रेटवा में 4 किलोमीटर का उबड़ खाबड़ रोड लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। विगत 15 साल से समस्या से जूझ रहे, ऐसे में ग्रामीणों ने मोर्चा खोला और आगामी समय में मतदान बहिष्कार की चेतावनी दी। बताया जा रहा है कि मार्ग पर गड्ढे होने से राहगीरों को परेशानी से जूझना पड़ता है और शासन प्रशासन को समस्या से अवगत कराने के बावजूद समस्या का निराकरण नहीं हुआ। ऐसे में ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने बताया कि 2000 आबादी वाले इस क्षेत्र के रहवासी समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं विकास यात्रा को लेकर उन्होंने बताया कि विकास यात्रा भी औपचारिक तौर पर गांव के बाहर से ही रवाना हो गई, जो बड़ा गंभीर विषय है, और अब चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। प्रमिला बाई और सुरेली बाई ने बताया कि डिलीवरी के समय महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है, आए दिन रोड पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। सर, क्या हम रात में बच्चों को दिन में भी गाड़ी पे लेके जा ही नहीं सकता, किधर भी जाना है। क्या हुआ था कल, आपको किसकी गाड़ी भी आई थी? कल नहीं आई थी, एक रोज आई थी, तो पुलिस वाले की गाड़ी भी कुछ गई थी खुले में, तो खुले पे तुम आया था ना अभी नाले जगह वहीं पे, पर रास्ता की हमारी बहुत परेशानी है सर, और हमको पानी की भी दिक्कत है। तो अभी विकास यात्रा निकल रही है, नेताओं ने बोला कि विकास हो गया है, तो विकास नहीं हुआ? आए इधर, नहीं आए इधर कहीं भी नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? सुबी भाई। कहाँ रहते? रोड से उधर है, जो उधर निकल गए। हम तो बोलने के लिए सब लेडीज ने खड़ी थी, यहाँ आएगी तो आए नहीं है। सर गाँव में बहुत परेशानी है, रोड इतना ख़राब है हमारा, जैसे महिलाएं डिलीवरी पेड में प्रसव के लिए ले जाते हैं, एम्बुलेंस बुलवाते हैं, तो मेन रोड पे करीबन 4 किलोमीटर दूर एम्बुलेंस खड़ी रहती है। हम मोटरसाइकिलों से महिलाओं को एम्बुलेंस में ले जाते हैं रोड पे। कई बार तो सर 70% महिलाएं ऐसे कि गाँव में ही प्रसव हो जाता है, गाड़ी यहाँ आती नहीं, बाइक से ले जाते हैं, कोई व्यवस्था है नहीं सर। हर गाँव घर में एक बाइक तो रहती नहीं, एक दूसरे को बोलेंगे कि आपके पास बाइक है तो बाइक लेके जाते हैं, बाइक मिलती है किसी। 70% महिलाएं सर गांव में ही प्रसव हो जाता है, हम इतने परेशान हैं। कई बार हमने लिख के दिया पंचायत द्वारा भी, कहीं मांग हमने नेताओं के सामने रखी, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और विकास यात्रा को हम कल बोले कि विकास यात्रा आप गांव में लेके आइएगा, तो रोड पे सर वहीं पे मेन रोड पे टेंट लगा के वहीं पे कार्यक्रम करके निकल गए लोग। तो गांव में निचले स्तर पे आके देखना चाहिए कि वास्तविकता में विकास क्या हुआ है गांव का। तो विकास यात्रा आप निकाल रहे हो, जब अगर विकास अगर सही मायने में हो जाता है तो विकास यात्रा की आवश्यकता नहीं रहती। इसके अलावा और भी समस्या है? इसके अलावा और ऐसे बहुत सारे स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है यहाँ पे। मेन तो हमारा रोड का ही सर वो बहुत समस्या है, इतने गड्ढे हैं कि अभी मोटरसाइकिल वाले कभी कई बार गिर जाते हैं, तो बच्चे यहाँ करीबन 1 महीने में 2-3 बार तो कोई ना कोई ऐसे हाथ पांव तोड़ ही लेता है यहाँ पे। क्या और क्या मांग करते हैं आप? हम अभी यही मांग कर रहे हैं कि हमारा रोड अगर नहीं बनता है तो हम विधानसभा के जो मतदान है, हम मतदान का बहिष्कार करेंगे। पूरे गांव हमारे रेटवा वालों ने ये मन बना रखा है कि मतदान हमको करना ही नहीं है, वोट नहीं है, हमारा विकास नहीं है तो वोट नहीं है, हम मतदान का बहिष्कार करने जा रहे हैं आगामी समय के लिए। कोई ना तो बीजेपी वाला मतदान करेगा ना कांग्रेस का बंदा। हम क्या नाम है आपका? सोहन भाई रेटवा। बनाए दो हमारा यहाँ डिलीवरी बाय नहीं तो हम उनको परेशानी पड़े, यहाँ रोड आरू बनाए दो। कब से परेशान हो रहे हैं आप लोग? 15 साल से परेशान है हमारा गांव में, ये गाड़ी भी नहीं निकलते रोड पर, पूरे सब बीमार है, तो हम कहा हकलन ले जाना पड़े, सब रोड बनाए दो हम का। अच्छा अभी विकास यात्रा आई थी क्या यहाँ? नहीं आई। क्या नाम है तुम्हारा? परमिला। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।